नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी लोन में गारंटी देने की सोच रहे हैं तो ऐसे गारंटर आपको कितनी रिस्क है और गारंटर का मतलब क्या होता है। देखिए, कई बार क्या रहता है कि हम लोगों को गारंटी देने का इम्पोर्टेंस पता नहीं होता, उसकी रिस्क इन्वॉल्व पता नहीं होती और हम अननेसेसरी हर किसी को गारंटी देते रहते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि हम एक गड्ढे में गिर चुके हैं। तो गारंटर का मतलब ये होता है, कई बार क्या रहता है कि बैंक क्या करता है कि जैसे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया या बिजनेस लोन हो गया, अब उस केस में क्या रहता है, बैंक जो बोरोअर्स है उसको उसकी प्रोफाइल थोड़ी उसको कमजोर नजर आती है, तो बैंक क्या कहता है बोरोअर से कि आप अपने साथ एक गारंटर ले आए। अब जैसे कई बिजनेस लोनों में क्या होता है कि बिजनेस तो आप चला रहे हो लेकिन जो कोलैटरल जो सिक्योरिटी बैंक ने मांगी है जमीन की, वो किसी और के नाम से है, तो फिर उसको गारंटर रखकर उसकी जमीन को मॉर्गेज कर लिया जाता है। तो और हम भी क्या करते हैं कि कोई हमारा रिलेटिव होता है या दोस्त होता है तो हम भी सोचते हैं कि यार इसकी मदद कर दी जाए, ठीक है यार मैं तेरे गारंटर पे एग्रीमेंट पे साइन कर दूंगा। और हम जनरली यही करते हैं कि गारंटी देना कोई बुरी बात नहीं है, मैंने खुद ने मेरे बड़े भाई के लिए गारंटी दी हुई है उनसे होम लोन में, तो ऐसा कोई गुनाह नहीं है अगर यदि आपने गारंटी दी है। तो अब आता है बात की, जो जब भी बैंक आपसे लोन होगा तो बैंक गारंटी एग्रीमेंट पे साइन करवाता है। आप देखिएगा, अगर यदि आप ऐसे गारंटर हो तो बैंक कहेगा कि आपके साइन गारंटी एग्रीमेंट पे प्लस जो भी अरेंजमेंट लेटर और सेंक्शन लेटर है उस पर आपके साइन लेगा। अब बात आती है कि क्या होता है, देखिए होता है क्या है, मान के चलिए आपने किसी की गारंटी दी होम लोन की, अब वो होम लोन से उसका लोन सेंक्शन हो गया और वो रेगुलर रीपेमेंट कर रहा है बोरोअर, तो इस केस में क्या है, गारंटर का रोल सिर्फ दूर खड़े रहने का है, यानी कि ऐसे गारंटर आपको उस लोन में से कोई पेमेंट नहीं करना, लोन रेगुलर चल रहा है, लोन रेगुलर बोरोअर रेगुलर पे कर रहा है। अब बोरोअर अगर यानी बिल्कुल रेगुलर पे कर रहा है, आपका कोई रोल नहीं है, लोन क्लोज हो जाएगा और आपकी गारंटी भी खत्म हो जाएगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, मान के चलिए जिसकी गारंटी आपने दी है वो बैंक का लोन पेमेंट नहीं कर रहा रेगुलर, तब प्रॉब्लम आती है, तब बैंक गारंटर का रोल आता है। तो मतलब अगर बोरोअर डिफॉल्ट कर रहा है तो बैंक आपकी भी गर्दन पकड़ेगा, यानी कि इस केस में आप भी उतने ही डिफॉल्टर माने जाओगे जितना कि बोरोअर है, और बैंक को पूरा अधिकार होता है आपके जो भी एसेट्स होते हैं उस पर, कि उसको वो उससे वो अपने जो भी उसका लोन है उसको पूरा बकाया आपसे वसूल ले। अब इसमें होता क्या है कि अगर मान के चलिए बोरोअर ने लोन खराब कर रहा है, वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो आपका भी सिविल स्कोर खराब होता है, ऐसे गारंटर आपका भी सिविल स्कोर खराब होगा अगर यदि लोन रीपेमेंट सही ढंग से नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि कभी भविष्य में आपको कोई लोन लेने की जरूरत पड़ी तो आपका सिविल तो खराब है ही है, तो आपको भी लोन मिलने में दिक्कत आएगी। जब बैंक नोटिस भेजता है, लीगल नोटिस या नॉर्मल नोटिस, तो वो गारंटर को भी भेजता है, मतलब अगर बैंक कोर्ट में केस फाइल करेगा रिकवरी के लिए तो गारंटर के एसेट्स भी उसमें लिस्ट होंगे, यानी कि आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा अगर वो, यानी कि ये पूरा आपका हेडक बन जाता है कि वो लोन रेगुलर चले और आप उसका रेगुलर पेमेंट इंश्योर करें, नहीं तो आप उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे जो आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम में बोरोअर हो जाएगा बैंक की वजह से। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने गारंटर से रिलेटेड काफी हद तक आपकी क्वेरीज सॉल्व करी होंगी। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।